when displaced water is matter of excuse me आप लोग कौन है मक्कड़ एड मेकर मक्कड़ आपके इस शहर में या यूं कहें कि इस स्कूल में टैलेंट और नए चेहरों की भरमार बैठे हुए हैं छिपे हुए बस उन्हीं को ढूंढने आए हम लोग पर इस तरह आप लोग अंदर नहीं आ सकते हाँ मिल गया ये अपने नए कुरमुरे मसालेदार बिस्किटों का A1 बिस्किट का अपना नया मॉडल ये तो स्टार है बेटा आप लोग बाहर जाते हैं या मैं प्यून को बुलाऊं I'm sorry, madam. Actually, क्या है कि अपने इस मॉडल को तलाशने के लिए पिछले दिनों में बहुत परेशान रहा इसलिए राणा I got it. Yes. Sorry, madam. जा रहे हम चलते हैं. चलो. अंकल आप मैं कब से सोच रहा था कि आप कब आएंगे वो सब तो ठीक है हीरो साहब पहले ये बताइए कि घर में सब लोग कैसे हैं और वो प्रैक्टिस ठीक से चल रही है कि नहीं प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है बस आप शूटिंग की डेट बता दीजिए मम्मी पापा भी मान गए हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करना ठीक है सारी लाइन तू अरे छोड़ो भाई साहब हम लोग तो बाहर ही जा रहे हैं यार छोड़ो ना अरे हम आपको इसलिए पकड़े भैया बाहर ना जाओ तो भाई हम अंदर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ जाके मत छोड़ो यार अरे पहले सैंड्रा मैम के पास चलना फिर जाना चल सुन यार कौन स्टार देखिए मैडम अब ये नहीं हो पाएगा मतलब माना कि ये बिस्किट की एड फिल्म है लेकिन अब आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगी तो हम आपको बच्चों की एड फिल्म में काम थोड़े ही दे देंगे एक मिनट आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है मैंने ये ड्रेस इसलिए नहीं पहनी है कि आप लोग मुझे अपनी एड फिल्म मिले मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म है मैं स्कूल में पढ़ती हूँ माफ कीजिएगा मैडम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मैडम बंटी जो आपका बेटा है वो क्या चेहरा पाया उस कमाल का टैलेंट है उसके अंदर मैं कैमरे की कसम खा के कहता हूँ मैडम ऐसा सूरज जैसा चमकने वाला चेहरा हमने आज तक नहीं देखा अरे मैडम हमारे सर की आंखों में कैमरा लगा है कैमरा एक बार जिस बच्चे को देख लेते हैं ना सर उसके बारे में ये बता देते हैं कि बच्चा कहाँ तक जाएगा अरे मैडम आप कह रही हैं कि बंटी मुंबई अरे मैडम मुंबई तो बंटी के लिए एक छोटा सा स्टेशन है अरे मैडम उसको तो हॉलीवुड तक जाना है हॉलीवुड मैडम इंग्लिश सिनेमा अच्छा एक बात बताइए मुझे आप लोग जब इस तरह टैलेंट खोज रहे हैं तो इस खोज में आप बिना परमिशन के किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में घुस जाते हैं अब हम तो अपनी फिल्म के लिए एक्टर ढूंढ रहे थे अब उसके लिए क्या परमिशन लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी दे दीजिए लेकिन एक बात बताइए ये बंटी एड फिल्म में काम कर रहा है इस बात से तो आपको कोई एतराज नहीं है ना देखिए बंटी के पेरेंट्स सही हो या नहीं लेकिन आपको यह हक किसने दिया कि आप स्कूल में कभी भी घुस आएं और बंटी या किसी भी बच्चे से मिले अरे मैडम गलती हो गई माफ कर दीजिए ना अरे लेकिन मैडम बंटी हमारे साथ काम तो करेगा ना मैडम एक शर्त पर आपको बंटी के पिताजी को फोन करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी और सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझाना होगा अगर वो मान गए और उन्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज ठीक है और सर उसकी वो टिमटिमाती हुई सी चमकती हुई सी आंखें और उसका वो गोल मटोल भोला सा ग्लोब जैसा चेहरा आपके बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है सर भरपूर बड़ा टैलेंट है सर कूट कूट के भरा हुआ अच्छा आपको पता नहीं सर आपके घर में कल का सुपरस्टार हाफ पैंट पहने हुए घूम रहा है अरे सर जब से मेरी आंखों में आया है ना कई बार डिफोकस करने की कोशिश कर चुका हूँ अरे सर मुझे तो रात को नींद में भी वो नजर आता है मैं ट्रॉली पर और वो मेरे सामने और सर ने बोला एक्शन अच्छा भाई हमें तो नहीं पता था कि हमारे बेटे में इतनी सारी खूबियां हैं और आपने ये कैसे तय कर लिया
बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के बंटी ही आपकी एड फिल्म में काम करेगा? सर ये स्क्रीन टेस्ट ऑडिशंस सब बेकार की बातें हैं सर। जो नौसिखिए डायरेक्टर्स होते हैं ना वो करते हैं, हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो एक नजर ही बहुत है सर, एक नजर में ही समझ में आता है। दाद देनी पड़ेगी आपकी परखी नजरों की। लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि आपको मालूम कैसे हुआ कि बंटी इसी स्कूल में पढ़ता है और इसी वक्त आपको यहां मिलेगा? तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। और वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी बिना बंटी को देखे उसके नाम पे इतनी बड़ी रकम का चेक उन्होंने बना दिया? नहीं सर, दरअसल आपके बच्चे को स्कूल जाते आते मैंने कई बार देखा है सर, और इसीलिए। हाँ हाँ सर, अगर हमारे सर किसी को एक बार फाइनल कर देना तो कंपनी क्यों रोकेगी, तुरंत चेक बना देगी सर। अच्छा, तो आपको शायद मालूम नहीं कि जो मैं काम करता हूँ उसके साथ साथ मैं एक छोटा मोटा डिटेक्टिव भी और वो जो चेक आपने दिया था वो टीके फूड कंपनी के नाम का है। मैं जानता हूं कि टीके फूड कंपनी का मालिक त्रिकाल सिंह बघेलिया है। तो घबराइए मत, मैं तो सिर्फ आपसे पूरी कहानी जानना चाहता हूं और वो भी जरा जल्दी, इससे पहले कि पुलिस यहां पे आ जाए। नहीं नहीं सर, हम लोग सर छोटे से एड फिल्म मेकर हैं सर।